जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी मुजफ्फरपुर यारो के ओरिजिनल आर्मी के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो दोस्तों, आपने YouTube पे बहुत सारे पेपर्स देखे होंगे, लेकिन आपने किसी भी पेपर की PDF फाइल नहीं देखी होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ दोस्तों, मुजफ्फरपुर यारो के जो सोल्जर जनरल ड्यूटी का जो पेपर हुआ था उसकी PDF फाइल। तो पूरे का पूरा पेपर मैं आपको आज इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो दोस्तों, आपसे वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो यह है दोस्तों क्वेश्चन पेपर। मैं आपको पहले पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं। फर्स्ट पेज पे आपके इंस्ट्रक्शंस हैं और सेकंड पेज से आपका जो है दोस्तों वो क्वेश्चन और आंसर शुरू हुए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों होता है आपका सेक्शन ए, जिसमें आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक सामान्य ज्ञान यानी कि दोस्तों जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, गन्ने से क्या मिलता है। ये जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, क्वेश्चन पेपर दो लैंग्वेज में होता है आपका, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, गन्ने से क्या मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चीनी। गन्ने से दोस्तों चीनी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड। इसके लिए दोस्तों हम WTO भी बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में दोस्तों ये क्वेश्चन होगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, जिनेवा, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो दोस्तों जिनेवा में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल, ईमेल का क्या अर्थ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि डूरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन ए, फुटबॉल, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, आगे इस वीडियो में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डेंसिटी, मुगल वंश की स्थापना किसने की। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, बाबर। मुगल वंश की स्थापना दोस्तों की थी बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमरनाथ केव इज सिचुएटेड, अमरनाथ गुफा कहां पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICJ सिचुएटेड। तो ICJ के फुल फॉर्म होती है दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, द हेग में। द हेग में दोस्तों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच स्टेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ बिहार। तो बिहार से डैश राज्य बनाया गया, क्वेश्चन नंबर 8। आजादी के बाद में दोस्तों बिहार राज्य से जो 2000 में एक राज्य अलग हुआ था उसका नाम था झारखंड। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, कन्याकुमारी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री प्रोड्यूस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। कौन सा देश सबसे अधिक मात्रा में गैस का उत्पादन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। और दूसरे नंबर पर दोस्तों वर्ल्ड में गैस के उत्पादन में रसिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज गिवन तमिल लैंग्वेज द ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस। निम्न में से किस देश ने तमिल भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सिंगापुर।
क्वेश्चन नंबर 12 है, आमतौर पर कंप्यूटर चिप डैश द्वारा बनाई जाती है। आमतौर पर कंप्यूटर चिप किसके द्वारा बनाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सिलिकॉन। कंप्यूटर की जो दोस्तों चिप होती है वो सिलिकॉन से बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द ग्रीन इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय होम। ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, विश्व बैंक। ठीक है, ग्रीन इंडेक्स जो है दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गोल्फ प्लेयर विजय सिंह इज ए सिटीजन ऑफ विच कंट्री। गोल्फ प्लेयर विजय सिंह इज ए सिटीजन ऑफ विच कंट्री। ठीक है, गोल्फ खिलाड़ी जो है वो विजय सिंह इनका नाम है, ये किस देश से संबंधित है या फिर किस देश के नागरिक हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन ए, फिजी। ठीक है, और सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 15 जनवरी के लिए इंडियन आर्मी डे दोस्तों जो है वो मनाया जाता है। अभी चलते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। तो जो सेक्शन बी है वो है आपका साइंस का, और यहाँ पर 16 से 30 नंबर तक जो प्रश्न होंगे वो आपके जनरल साइंस से लिए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, कॉफी इज मेड फ्रॉम विच प्लांट। कॉफी किस पौधे से बनाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन ए, कैफीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 17 है, फिटकरी तथा सोरा में कौन सा अम्ल होता है? तो दोस्तों फिटकरी तथा सोरा में जो अम्ल होता है वो होता है आपका नाइट्रिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन ए, नाइट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों आपका, व्हाट कलर आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग रेड एंड ग्रीन कलर। लाल और हरे रंग को मिलाकर किस रंग का निर्माण होता है? ठीक है, तो अगर आप लाल और हरे रंग को मिलाते हैं तो किस रंग का निर्माण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन ए, पीला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, हमारे शरीर में स्नायु जोड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है बोन टू बोन, हड्डी से हड्डी के लिए लिगामेंट्स जो है वो दोस्तों जोड़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, विच गैस इज यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक। पेय पदार्थों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन बी, CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है दोस्तों इसको सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन ए, ओ ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्पीड ऑफ ए शिप इज मेजर्ड इन। पानी के जहाज की जो स्पीड होती है दोस्तों, गति होती है, वो किससे मापी जाती है, किसमें मापी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन डी, नॉटिकल मील पर घंटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में डैश का प्रयोग किया जाता है। तो बिजली का जो बल्ब होता है दोस्तों, उसमें उसका जो फिलामेंट होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है ऑप्शन सी, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 24, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, पौधे सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है ये इंडियन आर्मी में सोल्जर जनरल ड्यूटी का दोस्तों मुजफ्फरपुर एआरओ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सिवा ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करके इस ओरिजिनल पेपर के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका,
विच गैस इज यूज इन फूड पैकिंग, खाद्य सामग्री के पैकिंग के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, खाद्य सामग्री की जो पैकिंग होती है दोस्तों, उसके लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आप हमारे चैनल पर डेली आर्मी के ओरिजिनल पेपर और उनके प्रैक्टिस सेट की वीडियो आपको मिलती रहती है। तो दोस्तों ये एकदम बेस्ट चैनल है आपके लिए, आप इस चैनल को बिल्कुल विश्वास करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए आर्मी के जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो कि पिछली कुछ ईयर्स में पूछे जा चुके हैं आपसे, जो पेपर्स आ चुके हैं, वही पेपर्स हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों आपको अपना लेवल चेक करने के लिए ये जो पेपर है इनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर का मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ, लेकिन दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली रिएक्टिव मेटल, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है ऑप्शन सी, पोटेशियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का सॉरी, और क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक पूर्ण चक्कर लगाने में कितने दिन का समय लगता है? पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक पूर्ण चक्कर लगाने में कितने दिन का समय लगता है? तो दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 आवर्स में एक चक्कर पूरा कर देती है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एक दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, लाइट ईयर इज ए मेजरिंग ऑफ डैश, प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष में आपका डिस्टेंस मापा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है ऑप्शन सी, दूरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, वेयर इज द मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है ऑप्शन डी, एंटार्क्टिका। और आज की वीडियो का दोस्तों सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रेड ऑफ मोतीजला एंड कॉलरा, निम्न में से कौन मोतीजला और हैजा को फैलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मक्खी। तो दोस्तों सेक्शन ए और सेक्शन बी यहां पर आपका कंप्लीट होता है। तो सेक्शन ए में दोस्तों आपने सीखा, आपने देखे यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो कि जनरल नॉलेज के थे, और सेक्शन बी में 16 से 30 क्वेश्चन जो कि जनरल साइंस के थे। तो इस जो ये जो पेपर है दोस्तों मुजफ्फरपुर एआरओ का, इसका जो सेक्शन सी और सेक्शन डी है उसको मैं कल कराऊंगा। तो दोस्तों पूरा पेपर की जो सोल्यूशन है उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यहाँ पर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि मैं आपको कल जो वीडियो लेकर आऊंगा उसमें मैं आपके लिए बताऊंगा कि आप दोस्तों पेपर देने से पहले और पेपर के समय आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, तो पूरे की पूरी वीडियो में दोस्तों आपको लेकर आऊंगा, तो इसी वीडियो का पार्ट सेकंड कल आएगा, तो उसके लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि जो क्वेश्चन पेपर है ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है आपका मुजफ्फरपुर एआरओ सोल्जर जनरल ड्यूटी का। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ आपने आज तक कभी कहीं पर नहीं देखी होगी, तो दोस्तों अगर आप इसी पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे इसी वीडियो का पार्ट सेकंड लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।